स्वागत है दोस्तों ग्लोबल फैक्ट में। पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में मतलब किस प्रकार फ्लोटिंग फार्म है, यानी मतलब कि पानी के ऊपर किस प्रकार फ्लोटिंग फार्म करते हैं वहाँ के लोग। कुछ ऐसे ही आज का भी वीडियो कुछ ऐसे यूनिक होने वाला है। बात करेंगे यूनिक विलेज की। तो क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि मतलब पानी के ऊपर पूरा का पूरा गाँव बसा हो? तो शायद आपका रिएक्शन होगा इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। तो हम बात कर रहे हैं म्यांमार में ऐसा लेक जो कि मतलब पूरा का पूरा विलेज पानी के ऊपर है। ये तो बहुत ही वियर्ड है, मतलब सुनने में बहुत अजीब लगते हैं ना, पर यह कोई फेक नहीं है, मतलब यह कोई फेक नहीं है, यह रियल है। तो बात करें म्यांमार के लेक की, तो मतलब म्यांमार के लेक में कुछ ऐसा विलेज, मतलब वहां के लोग ऐसा कुछ डिजाइन करके बनाते हैं, जैसे मतलब लकड़ी और बांसों का घर एक मतलब एक डिजाइन करके बनाते हैं कुछ, वो भी पूरा का पूरा मतलब पानी के ऊपर। और मतलब पानी के ऊपर घर बनाने का कारण क्या है? तो वहां के लोगों का कारण यह है कि बाढ़ों का पानी, मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है, तेज बारिश होती है, जिस वजह से वहां के लोगों को समस्या होती है। तो मतलब वहां के लोग कुछ ऐसा फर्नीचर डिजाइन किया बांस और लकड़ियों का, वहां के लोगों का मानना है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। और अब बात आती है कि तब यहां के लोगों का जीवन यापन कैसे होता होगा, मतलब आय मतलब इनकम कैसे होता होगा। तो वहां के लोग साथ ही अपने मतलब जीवन के लिए खेती भी करते हैं, तैयार तो हुआ मतलब फ्लोटिंग बेड तैयार करते हैं, जिसमें वहां मतलब फसल भी उगाते हैं। वहां के लोगों की जरूरतमंद सब्जियां, चावल और भी कई ऐसे कई सब्जियां उगाई जाती हैं, मतलब फसल उगाते हैं, जिसमें से टमाटर बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब टमाटर की फसल बहुत ज्यादा है। लोगों का फसल खाने के साथ साथ वहाँ इनकम भी जनरेट हो। मुख्य है कि मछली पकड़ना, मछली भी एक तरह से मतलब इनकम सोर्सेस है, मतलब वहाँ के लोगों के लिए इनकम सोर्स है। घरों में और भी कई हैं, जैसे सिलाई करना, बुनना, कपड़े बुनना और भी ऐसे भी कई अन्य छोटे छोटे काम करते हैं वर्क, जिनसे उनको आय होती है और के लिए मतलब उनको सेल करने के लिए वहाँ के लोग में जाकर सेल करते हैं। और इस झील को मीठे पानी का झील भी कहा जाता है। और आप बात आती है कि मतलब हमारे मन में एक डाउट आता होगा कि ये तो लकड़ियों का घर है, मतलब लकड़ियों का घर है तो अराउंड कितने साल चलता होगा, क्योंकि जमीन पर सीमेंट और ईंट का घर बनाते देखा है, बट पानी के ऊपर यार वो भी लकड़ी का घर, ये तो बहुत ही यूनिक है। वहां के लोगों का कहना है कि यह घर अराउंड 15 साल तक चल जाता है। या गाँव में कॉलोनी होती है, जिस कॉलोनी में मतलब रोड होता है, रोड से आना जाना लोग करते हैं, बट वहाँ इसका अपोजिट है, वहाँ के लोग मतलब बोट से, नाव से, लकड़ियों के नाव से आना जाना करते हैं। और यह एक टूरिस्ट प्लेस है जो पूरे वर्ल्ड के लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आपने देखा कि दुनिया में किस तरह अद्भुत तरीके से लोग रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।